दोस्तों, मौसम मल्हा का बास को ले जाकर शमशान घाट में पहले टुकड़े किए, बाद में उसको जलाकर राख कर दिया। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। मैं समझता हूँ कि बहुत शांत क्षेत्र है जो इस घटना को हैंडल कर गया, वरना यह घटना कोई भी रूप अंजाम दे सकती है। दूसरा, पीड़ित परिवार के साथ जो भी प्रशासन मदद कर सकता है बेहतर से बेहतर, इनके बच्चों के परवरिश के लिए इनकी आर्थिक सहायता जो भी, और हमारे साथ हमारे प्रधान जी पधारे हैं, जो भी सरकारी सहायता जो उपलब्ध करा सकते हैं इन्होंने भी अपनी तरफ से ही उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया है, और मेरे और इनके लिए धन्यवाद देता हूं मैं कि ये आगे बढ़ के आए और अपनी तरफ से 50,000 रुपये की इन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की है, और सभी समाजों को साथ लेकर चल रहे हैं। और उसके अलावा एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि सभी समाज, 36 बरादरी एक साथ मिलजुल के रहें। मैं इसके लिए प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूं, और ऐसी दुख की घड़ी में मैं अपेक्षा करता हूं कि ईश्वर इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। कहने का मतलब है, इसमें एक भी मुलजिम तो इसमें बख्शा नहीं जाएगा, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, ये आप निश्चित तौर पर आश्वस्त रहें। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मणगढ़ में, मैंने फिर भी कहा था, दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, कि लक्ष्मणगढ़ एरिया एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर अलवर में, शायद मेवात में, सबसे ज़्यादा एजुकेशन और सबसे ज़्यादा नौकरी वाले लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ यहाँ अग्रणी रहा है। मौजपुर गांव है, हरसाना गांव है, या बड़े बड़े जो गांव हैं यहाँ पर, ऐसे गांव हैं जिनमें एजुकेशन में एक नंबर पर रहा है। और यहाँ भाईचारे की जो बात है, लक्ष्मणगढ़ में भाईचारा भी पहले नंबर पर रहा है। सर्व समाज मिलके सारे आपसी जो धार्मिक हुए कार्यक्रम है उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ईद में जाते हैं, दीपावली में जाते हैं, सब लोग एक दूसरे के आपस में भाईचारे में हमेशा सहयोग करते हैं, साथ रहते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ जो लोग आते हैं उनसे भी, बाहर के लोगों से भी, कि यहाँ भाईचारे को खतरा नहीं होना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए, और हमारी उम्मीद है कि भाईचारा कायम रहेगा और हम इसको कायम रखेंगे। जो हमारा सैकड़ों साल से जो भाईचारा चला रहा है उसको हम कायम रखेंगे। ना यहाँ कोई वाद विवाद है, ना कोई जाति धर्म भेदभाव है, सब भाई यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मैं यहाँ पर आज आया हूँ तो इनकी जो मांग है, इनकी मांग है कि भाई हमें यहाँ पर आर्थिक मदद मिले, आर्थिक सहयोग मिले, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो हो उसमें मदद मिले, तो इनकी मांग है, जायज़ मांग है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार से इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले।